नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मुजफ्फरपुर से पटना जा रही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी NH22 पर वारिसपुर स्थित रंजीत सिंह ढाबा के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त। यह घटना वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र की है, जहां आज शाम के लगभग 5 बजे मुजफ्फरपुर की ओर से तेज रफ्तार से पटना की ओर जा रही मारुति स्विफ्ट डिजायर, जिसका नंबर BR है, अनियंत्रित हो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। वहां पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी के सामने नीलगाय के आ जाने के कारण यह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस गाड़ी में उपस्थित गाड़ी चालक दुर्घटना होने के बाद गाड़ी से निकलकर फरार हो गया। यह गाड़ी रामाशंकर यादव के नाम से रजिस्टर्ड है। गाड़ी इतनी रफ्तार में थी कि सड़क किनारे लगे पेड़ को तोड़ते हुए सड़क से लगभग 30 फीट नीचे गड्ढे में जा पेड़ के ऊपर जा लटकी। घटना पर भगवानपुर प्रशासन पहुंचकर घटना के कारणों का पता लगा रही है। रिपोर्टर कमलेश किशोर। जहाँ से जरूरी रहे।